टू एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस एट ए माइनस वन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो. तो दिस इज रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस. रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस तो बेटा एक बात तो पक्की है कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए लेस देन जीरो होगा, वो है ना, प्रोडक्ट ऑफ लेस देन जीरो होगा ना. यस सर. मतलब बाय टू लगा सकते हैं, नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ए इंटू ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो, तो जीरो फोर प्लस माइनस प्लस ए बिलोंग्स टू जीरो टू फोर. एक इंटरवल तो ये आ ही रहा है. है ना, तो हो गया बी आंसर. यस सर, समझे? यस सर, आगे समझ. अगला और कौन सा सर? ट्वेल्थ और थर्टींथ. 12th, if the roots of the equation this and this are in the same ratio, then the value and the value of lambda. ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है? x square प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. एंड द सेम रेशियो, तो ठीक है, इसके रूट्स क्या है? माइनस वन और माइनस टू ना. यस सर. और इसके रूट मान लो अल्फा और बीटा, तो हम ये कह सकते हैं माइनस वन अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा. तो बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा. ठीक है, अब इसका जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो वन है, और अल्फा इंटू बीटा है वो लैम्डा है. तो बीटा इज अल्फा इज इक्वल टू वन बाय थ्री. तो वन बाय थ्री इंटू टू बाय थ्री इज लैम्डा, तो लैम्डा टू बाय नाइन हो जाएगा. यस सर, ठीक है सर. और बताओ कौन सा सर? 13th or 23? एक सेकंड. हाँ जी, और कौन सा बोल रहे बेटा? सर 13th और 23. थर्टींथ, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस एंड डीवन एंड डी रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट्स.
एक काम करो बेटा, आसान तरीका बता रहा हूं, उत्तर अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेके क्यों सॉल्व करोगे? इनको 1 2 3 4 मान लो, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा को, तो D1 और D2 निकाल लो और सीधा रेशियो बना के देख लो क्या आंसर होगा। अच्छा, इनको 1 2 3 4 मानोगे तो इक्वेशंस भी आपकी ax square plus bx plus c equal to 0 वाली और जो px square plus qx plus r equal to 0 है वो दोनों इक्वेशन भी निकाल लो, तो ए बी पी क्यू वो सब की वैल्यू चाहिए होगी, वो आ जाएगी। समझ आया? इक्वेशन से क्या करना, इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, x-1 × x-2 = 0, फिर x-3 × x-4 = 0, सो दैट आपको पी क्यू आर और एबीसी की वैल्यू मिल जाए ना, वहां आंसर में ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा ना कौन सा आंसर है। अच्छा ठीक है सर, सबसे आसान है। और बताओ सर, ये हमने 1 2 3 4 क्यों माना है? एपी में बोले है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर, 23 है अपना। Just one second. कौन सा बोला? 23। Yes sir. If alpha and beta are the roots of ax square. ax square plus 3x plus 2 equal to 0 as roots alpha beta, ठीक है, तो alpha plus beta क्या होगा बेटा? -3/a, और alpha into beta क्या होगा? 2/a। yes sir. हाँ, तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, राइट? यस सर। We can also call it as alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta whole divided by alpha beta. Values रख दो, alpha plus beta क्या है? -3/a का whole cube minus 3 into 2/a into -3/a whole divided by 2/a. तो क्या होगा? -27/a³ प्लस 18/a² अपॉन 2/a, a ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27+a होल डिवाइडेड बाय 2a² ए आएगा ना, प्लस 18 है, सॉरी ए नहीं, ये आ जाएगा। Yes, sir. ना, अब इस पे काम करो ना, f of a मान के डिफरेंशिएट करके इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो, 18a - 27 / 2a²
क्योंकि नहीं तो इसको फिर एज अ फंक्शन मान के रेंज निकालना वही वही बेटर होगा। समझ आया? यस सर। आगे और बताओ सर, बस और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, ओके, चलो। ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक हो गया। चलो नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या है? अगर मान लेते हैं एक इक्वेशन है ये x square plus 1 equal to 0, तो इसके जो रूट्स है वो रियल मतलब रियल नंबर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि x square plus 1 यानी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम, और दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस वजह से इनको कुछ नया करना पड़ा कि जब ये ऐसा आ गया तो इसको मान लिया ये एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा, जिसे हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इमेजिनरी नंबर का हेल्प यूज क्या हुआ वो देखो, कि मान लो हमारे सामने अब एक ये इक्वेशन आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस फोर। ये जो प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस फोर है, इसे हम माइनस वन इंटू फोर करके स्प्लिट कर दे तो ये प्लस माइनस टू आयोटा बन जाएगा। हमें आयोटा का वैल्यू नहीं मालूम है, बट उसके बेसिस पे हमें बाकी चीजें मालूम है, तो हम एक पैरेलल ब्रांच ऑफ नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट पैरेलल ब्रांच ऑफ नंबर्स इज लाइक दिस, जीरो प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस टू आयोटा, इस तरह से चलता रहेगा। एंड दिस पैरेलल ब्रांच ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, नोट करो। इसकी इमेजिन नंबर की दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये खत्म कर देता हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर चालूंगा। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि आयोटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे तो माइनस वन होगा, आयोटा क्यूब का वैल्यू देखेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा टू द पावर फोर देखेंगे तो वन आ जाएगा। तो फोर आयोटा टू द पावर फोर वन है, तो फाइव पे देखोगे तो वो वापस से वो साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो इसका मतलब आयोटा टू द पावर फोर के इज वन, आयोटा टू द पावर फोर के प्लस वन इज आयोटा, iota to the power 4k plus 2 is iota square, iota to the power 4k plus 3 is iota cube, that is minus iota. Haji? Haji? Haan, theek hai, theek hai, theek hai. Second property, inhi charo ka agar sum karenge, iota to the power 4k, iota to the power 4k plus 1, iota to the power 4k plus 2 and iota to the power 4k plus 3, तो इन चारों का सम जीरो आएगा, क्योंकि 1 iota, iota square और minus iota सब एक दूसरे के conjugate मतलब वो है opposites हैं, तो वो cancel होके जीरो हो जाएगा। पहले ये नोट करिए जल्दी से। Yes, sir, will do.
डन सर, एक मिनट थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन करो इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ जी क्या होगा आंसर? इसको लिख सकते हैं ना माइनस वन टू द पावर आर। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि माइनस वन प्लस वन पच्चीस पच्चीस पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे, है ना, क्योंकि माइनस वन टू द पावर आर हो गया ये। अच्छा यहां पर देखो ये 48 का सम जीरो होगा क्योंकि चार चार के सम जीरो होते जाएंगे।
आयटा से लेकर आयटा फोर तक, फाइव से लेकर एट तक, ऐसे करते करते 45 से लेकर 48 तक, ये तो सब जीरो हो जाएंगे। बचा आयटा 49 विच इज आयोटा, और आयोटा 50 विच इज आयोटा स्क्वायर। तो दिस इज आयोटा प्लस वन। सर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया? पहले वाले समेशन को खोल दिया, दूसरा वाला समेशन तो वैसे ही जीरो हो गया क्योंकि इसमें 25 प्लस वन आएंगे और 25 माइनस वन आएंगे। अच्छा ठीक है सर, है ना। अब पहले वाले समेशन में चार चार के सारे सेट उड़ा दिए, और जो चार चार के सेट उड़ाने के बाद जो आखिरी दो बचे बस उनको सिंप्लीफाई कर दिया। समझ आया सबको? यस सर। अच्छा व्हाट अबाउट दिस सर, आयोटा माइनस वन आएगा ना, आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है। हाँ सॉरी सर, माइनस वन। R equal 1 to 50, iota to the power 2R, और ये जो सिंबल है ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सिंबल है, अगर किसी को पता नहीं है तो। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब जैसे यहाँ पर कंटिन्यूड सम होता है, प्लस प्लस लगता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन लगेगी, तो ये हो जाएगा ऐसे अगर तरीके से देखा जाए तो। इट इज iota to the power 2 into iota to the power 4, ऐसे करके चलता रहेगा। अब बताओ क्या होगा आंसर सर? माइनस वन। और लोग करके चेक करो क्या है आंसर। सर माइनस वन। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, आयोटा टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे कर करके 100 तक, है ना। तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2, ऐसे कर करके 50 तक। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आयोटा द पावर 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो 2 2 गया, आयोटा टू द पावर 2550। 2550 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 6 24, बचा 1, 4 3 12, बचा 2 आयोटा स्क्वायर। माइनस वन आ रहा आंसर? यस सर। यस सर। ठीक सर, ऐसे नहीं मतलब 25 प्लस 1 25 माइनस 1 तो आंसर माइनस 1। हाँ वो भी करके देख सकते हैं, ठीक है वो। यस ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर एंड डिस्कस व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात नहीं हुई है, अभी इमेजिनरी नंबर की बात हुई है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है, कि ये जो इमेजिनरी नंबर्स का सेट क्रिएट हो गया था ना, इस सेट में एक अच्छी बात थी और बाकी बातें जो है प्रॉब्लमैटिक थी। एक अच्छी बात ये थी कि इसमें जीरो था, ठीक है, बट प्रॉब्लमैटिक ये था कि बाकी कोई भी नंबर ऐसे नहीं थे जिनके बारे में हमें कुछ भी पता हो, मतलब वो कब पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है कुछ भी नहीं पता। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब इनको मैथमेटिकल डोमेन में फिट कहां करें। तो अब जब मैथमेटिकल डोमेन में इनको फिट करने की बात आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही जुगाड़ लगाया कि यार देखो जीरो है तो जीरो के साथ ये जो लेफ्ट और राइट में नंबर्स होते हैं ये तो हमारे रियल नंबर्स है पॉजिटिव नेगेटिव वाले,
कि ये तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और ये वाले नंबर्स जो है वो इसमें फिट नहीं होते, क्योंकि मैं पता नहीं कब कौन पॉजिटिव होगा कब कौन नेगेटिव होगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, इस जीरो के साथ कार्टेशियन प्लेन का आइडिया लेके एक नया प्लेन क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखोगे तो ये जो वर्टिकल में जो वाई एक्सिस था उसको इन्होंने बना दिया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस को रहने दिया रियल, ठीक है। तो रियल हो गया एक्स और इमेजिनरी हो गया वाई। तो अब यहां पर जो 1 2 3 4 लिखा है ये एक्चुअली 1 2 3 4 नहीं है, ये आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा इस तरह से है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट अब एक प्रॉब्लम सॉल्व होने में एक नई क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इनकी भी इंपॉर्टेंस है ना। तो अब मामला और उलझ गया कि भाई ये क्या है। तो ये एज पर कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स कॉमा वाई, यानी ये कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी दोनों का, एक्स और वाई दोनों का, तो इसको हम रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो उस रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब यहां पर x जो है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z, एंड y जो है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। सो हाउ डू वी डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी विल सिंपली से अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ, it is a point on complex or argand plane, that's it. यही definition है complex number का, और अगर ये definition आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो इसके आगे जो कुछ भी सीखेंगे वो काफी हद तक काफी चीजें आपको आसान लगने लगेंगे, एंड आपको विजुअली समझ आने लगेगा क्या हो रहा है, based on the fact कि that it is a point on the complex plane, it is nothing else, it is just a point, theek hai, so it is just representing a location, any location on the complex plane is represented as a complex number, theek. ab agar jaldi se hum isi ke basis pe iski types ki baat kar lete hain, to types hai pehla purely real, purely real matlab jiska y equal to 0 ho, तो वो हो गए आपके x एक्सिस वाले यानी रियल एक्सिस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब जिनका x इक्वल टू जीरो है, तो वो हो गए आपके y एक्सिस वाले। और थर्ड इज मिक्स्ड, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते हैं, कुछ अलग नाम नहीं देते, जहां पर x कॉमा y बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं प्राइमरली, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और मिक्स्ड, ठीक। और आप देख सकते हो अब कि ये तीनों इसी बात पर बेस्ड हैं कि लोकेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अगर प्योरली रियल है तो वो एक्स एक्सिस पर होगा, प्योरली रियल है तो दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, प्योरली इमेजिनरी है दैट इज ऑन वाई एक्सिस, एंड दिस इज ऑन द प्लेन, ठीक है। अच्छा, और यहां से एक बात और समझ में आ गई कि जो रियल नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरेशन से पहले तक रियल नंबर्स वाज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, बट नाउ एज ऑन डेट वी नो दैट द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इज जस्ट अ एक्सिस इन द आर्गेंट प्लेन, सो द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। It contains complex domain contains the real part. Real part is a subset of the complex domain actually. Okay. But please remember whatever you are studying in complex numbers stays in complex numbers only, because everywhere else, especially in most of algebra and your coordinate geometry and calculus, even if we go to that extent, they are based on real variables. So please don't mix up things. जस्ट कीप इट सेपरेट, आप अभी यहाँ जो पढ़ रहे हो वो यहीं के लिए है, इसके आगे पीछे के लिए नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक ये एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, मतलब ये सारा कुछ, ये मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा,
उसके बाद मैं इसे ना छोड़ दूंगा। इसके बाद जब मैं आपको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ तब मैं उसका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाऊंगा, वो बाद में कर लेंगे, मतलब जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 2D ज्योमेट्री, ठीक है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, तो अगर किसी को नहीं आता है आते हैं तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। नोट कर लिया ये? हाँ जी बोलो। जब आप बता रहे थे कि मतलब एक प्रॉब्लम आई थी कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्राफ को लेकर, तो सर आपकी आवाज तो क्रैक हो रही थी बहुत, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला है अलजेब्रा वाला जो अभी हम कंप्लीट करेंगे, दूसरा है ज्योमेट्री वाला। ज्योमेट्री वाला हम बाद में करेंगे जब हम 2D ज्योमेट्री पढ़ चुके होंगे। और अगर आप लोग कंफर्टेबल है 2D के साथ तो मुझे बता देना, तो मैं अभी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डन? यस सर। अब सबसे पहली बात, हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कंपोनेंट्स की। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके मॉड्यूलस एन आर्ग्यूमेंट। अब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है तो पॉइंट लोकेशन है, लोकेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि एक पॉइंट मान लो एक्स कॉमा वाई है, इसको हम बोल रहे हैं आर्गेंट प्लेन। तो अगर ये आर्गेंट प्लेन है तो ये एक्स कॉमा वाई जो है वो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी एक्स कॉमा वाई बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें तो यहां पे समझ में आता है ये एक्स होगा ये वाई होगा। तो ये जो ओपी है, लेंथ ओपी इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और मैग्नीट्यूड आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो यहां पर भी वही है, कोई नई डेफिनेशन नहीं आ जाएगी मैग्नीट्यूड की, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज है टैन थीटा, या हाँ ठीक है, अच्छा चलो टैन थीटा, टैन थीटा जो है वो वाई बाय एक्स है, तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, बट यहां पर वी हैव टू फॉलो द क्वाड्रेंट कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट कन्वेंशन। क्वाड्रेंट कन्वेंशन क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा इसको दिखा रहा हूं, बट एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा नहीं है। तो हमेशा सिर्फ ये टैन इनवर्स वाई बाय एक्स नहीं होगा, इसमें कुछ कन्वर्जन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। वो अभी क्या कन्वर्जन करना है वो अभी देख लेंगे। और थीटा की जो यहाँ पर रेंज होती है वो ध्यान रखिएगा, इट इज फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, यानी ये इस साइकिल में चलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्वाड्रेंट कन्वेंशन में फिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इट मे बी, आई मीन पोजीशन ऑफ पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर इट मे बी इन एनी ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स। अगर एनी ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स में है तो अगर आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो फिर वो माइनस पाई से पाई में देखेंगे, जीरो से टू पाई में नहीं देखेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेड वन
वन प्लस रूट थ्री आयोटा, और जेड टू ले लेते हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, और जेड थ्री ले लेते हैं वन माइनस माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा, और जेड फोर ले लेते हैं वन माइनस रूट थ्री आयोटा। मुझे चारों के जरा आर्गुमेंट और मॉड्यूलस बताइए, पहले आप लोग ट्राई करिए। हो गया जी? यस सर। क्या आंसर बताओ? सर मॉड्यूलस तो सबका टू ही है। हाँ मॉड्यूलस तो टू ही रहेगा। सर पहले वाले का पाई बाय थ्री। सर दूसरे वाले का टू पाई बाय थ्री, फिर माइनस टू पाई बाय थ्री और माइनस पाई बाय थ्री। हाँ जी करेक्ट है, पहले वाले का आर्गुमेंट हो जाएगा पाई बाय थ्री, दूसरे वाले का हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट है तो इट विल बी पाई माइनस पाई बाय थ्री, थर्ड क्वाड्रेंट है पाई बाय थ्री माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई बाय थ्री।
बेसिकली आप ये रूल फॉलो करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अल्फा माइनस पाई एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा। प्लीज यही कन्वेंशन फॉलो करिए। हियर अल्फा इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक्यूट एंगल। क्या तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? वो पाई प्लस अल्फा नहीं है? नहीं, पाई प्लस अल्फा नहीं लेना ना बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूँ माइनस पाई से पाई ले रहे ना। वो पाई प्लस अल्फा तब होता जब हम जीरो से टू पाई चलते। अच्छा, ओके ओके। पाई प्लस अल्फा होता तो फिर वो भी तो टू पाई माइनस अल्फा होता, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। यस सर। तो वो उस सिस्टम में होता, इसमें नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का क्या सेंस है? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर है, तो इसका अगर सीधा रियल एक्सिस के अबाउट इमेज देखोगे तो वो पी डैश होगा। पी डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू जेड बार, दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई। This is your conjugate of a complex number. The major advantage of conjugate, apart from other things, is कि अगर हम z into z bar करते हैं, तो वो बन जाता है x plus iota y into x minus iota y. That is actually x square plus y square, which can be written as mod z whole square. ये बहुत important concept है, because ये imaginary खत्म करके real में convert कर देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पर कुछ और पॉइंट्स भी लिख देता हूं। z प्लस z बार इज 2x, z माइनस z बार इज 2 आयोटा y। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस z बार क्या होगा बताओ, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार? बोलिए। जीरो सर, जीरो 90 होगा। जीरो और 90 नहीं, थोड़ा सा आप यहां पर एक चीज को कंसिडर नहीं कर रहे। यहां पर जीरो या पाए होगा और यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाय टू होगा, क्योंकि आपने ये कंसिडर नहीं किया कि एक्स और वाई के साइन कैसे होंगे। समझ आया? यस सर। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो यही पाई हो जाएगा, और अगर वाई नेगेटिव हुआ तो यही माइनस पाई बाय टू हो जाएगा। तो दोनों को कंसिडर करना है आपने। अच्छा, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो वो चीजें याद रखिएगा। अच्छा, और अभी और क्या? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आज के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पहला रिप्रेजेंटेशन तो आपका कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो एक्स कॉमा वाई है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है।
दूसरा है आपका पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म क्या है, अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, हमें पता है कि इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं. मॉड को r मान ले, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के y और x की वैल्यू निकाल ले, तो x की वैल्यू r cos थीटा हो जाएगी और y की वैल्यू r sin थीटा हो जाएगी. तो यहीं से z जो बन जाएगा वो r into cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बन जाएगा. दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है ये. पोलर का इतना यूज नहीं है, यूज एक्चुअली मतलब कॉम्पिटेटिव में इतना यूज नहीं है, वो सीबीएसई में यूज होता है. हम पोलर से एक तीसरा फॉर्म डिराइव करेंगे, वो तीसरा फॉर्म जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा. बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम पोलर फॉर्म लिखते हैं तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है. जैसे हम जेड इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री आयोटा ले लेते हैं, तो जेड को पोलर फॉर्म में लिखेंगे रूट टू इंटू कॉस ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, या भी प्लस लगा दो, या फिर वो माइनस अंदर करके भी लिख सकते हैं. इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये वापस से कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा. तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स. ठीक है, नोट करो इसे जल्दी. इंपॉर्टेंस यहां पर जो है ना वो थर्ड फॉर्म की है, और थर्ड फॉर्म ही एक्चुअली जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट को एकदम चेंज कर दिया. दैट इज कॉल्ड, जनरली लोग इसे यूलर बोलते हैं, बट यूलर नहीं है, ये ऑयलर फॉर्म है एक्चुअली. इसको ऑयलर प्रोनाउंस करते हैं. ऑयलर फॉर्म इज जो हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है. ऑयलर ने इसे प्रूव किया था कि ये ई टू द पावर आयोटा थीटा है. इनफैक्ट वो ये प्रूव नहीं कर पाया था कि पावर है, बट उसने ई आयोटा थीटा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था यूजिंग द हेल्प ऑफ टेलर मैकलॉरिन सीरीज. टेलर मैकलॉरिन डिफरेंशियल सीरीज, ठीक है. ये डिफरेंशियल सीरीज कहां से आई, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप. बट यस, आई विल टेल यू व्हाट इट इज एक्चुअली. देखो, e टू द पावर x की जो टेलर सीरीज होती है वो ये होती है. आपने कहीं लिमिट्स में इसको देखा होगा. साइन x जो होता है वो x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसे होता है. यानी साइन x में ऑड पावर वाले टर्म्स आते हैं और cos x में सारे 1 + x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial, ऐसे इसमें सारे even power वाले terms आते हैं. तो अगर हम e की power x में iota x रख दे, तो ये 1 + iota x - x square by 2 factorial - iota x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial, इस तरह से आ जाएगा. इन टर्म्स को अलग कर दो तो ये sin, cos x plus iota sin x, यानी रियल पार्ट cos x हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो iota sin x हो जाएगा. इस वजह से इसने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया था. और डी मॉयवर ने ये प्रूव किया था, डी मॉयवर्स थ्योरम से ये प्रूव हो गया था कि इफ z इज इक्वल टू r e iota theta, तो z टू द पावर n इज r टू द पावर n e टू द पावर iota n theta. मतलब उसने ये प्रूव कर दिया था कि बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे नॉर्मली एक एक्सपोनेंट बिहेव करते. तो एक्सपोनेंट के सारे रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है. तो ये डी मॉयवर्स थ्योरम से प्रूव हुआ था, ये ऑयलर प्रूव नहीं कर पाया. So now we can say that if z is equal to r cos theta plus iota sin theta, then z to the power n can be directly written as r to the power n cos n theta plus iota sin n theta. Okay. So this is the concept of Euler form. इस पे हम questions करेंगे अगली class में, वहां से देखना शुरू करेंगे कि इनको कैसे use करते हैं. सर, n पावर है,
हाँ यहां पर n पावर है, ठीक है, we'll stop here today. Next class में हम algebra और आगे की बातें करेंगे. आप लोग तब तक थोड़े बहुत basic question start कर सकते हो या कुछ और topic करना चाहो तो कर सकते हो. Next class के बाद आप फिर complex numbers के सारे type के questions कर सकते हो. ठीक है? Okay, yes, thank you. Thank you, sir.